व्यूअर, आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए जिसके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, उनके बारे में विजुलाइज करते हुए कार्ड से पूछिए वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनके इंटेंशंस क्या हैं और आपके फ्यूचर में क्या छुपा है। चेक करते हैं आपके पर्सन की लाइफ में भी क्या चल रहा है। राइट नाउ आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में ऐसे मुकाम पर हैं जहां वो 100% खुद पर फोकस कर रहे हैं, मेजरली अपनी स्टेबिलिटी पर। वो खुद में इतना एंगेज हैं कि उनकी सोशल लाइफ जो पहले बहुत हैपनिंग हुआ करती थी वो भी शांत दिख रही है। आई फील लाइक आपका पर्सन अपनी लाइफ में बहुत भागा दौड़ी कर रहे हैं, जो स्टेबिलिटी वो चाहते हैं ना वो उन्हें मिलेगी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो भाग ही मेटेरियलिस्टिक और लस्टफुल चीज़ों की तरफ रहे हैं। करेंटली वो अपने ड्रीम्स एंड गोल्स को लेकर भी डिस्करेज फील कर रहे हैं, क्योंकि जैसा वो चाहते थे वैसा उनके साथ नहीं हो रहा। पास्ट में भी उन्होंने जो जो ट्रबल फेस करी थी उससे वो अभी थका हुआ फील कर रहे हैं। वो सुबह उठते भी हैं तो बस ज़बरदस्ती बेड से खुद को घसीटते हैं। वो जल्दी यहाँ एक ब्रेक लेंगे अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। व्यूअर, जब आप उनके साथ टच में थे तो क्या वो काफ़ी इमेच्योर थे और इमेच्योरिटी वाली हरकतें करते थे? नीचे कॉमेंट्स में बताना, क्योंकि कार्ड्स में मुझे उनका इमेच्योर नेचर दिख रहा है। व्यूअर, देखते हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं। व्यूअर, वो आप दोनों के बीच की टाइमिंग को बहुत दोष देते हैं। उन्हें आपका ख्याल भी आता है पर वो खुद को फोर्स करते हैं कि आपके बारे में ना सोचें और आपकी थॉट को ही खुद से दूर कर दें। मैं फील कर पा रहा हूँ एक समय पर इस पर्सन के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, वो आपकी केयर भी करते थे, पर अब आप दोनों ने अपने अलग अलग रास्ते पकड़ लिए हैं। लेकिन सच बताऊँ तो आपकी याद उन्हें बहुत बार आके तंग करती ज़रूर है। वो नहीं चाहते आपको याद करना बट स्टिल उनके साथ ऐसा होता हुआ दिख रहा है। व्यूअर, कार्ड्स के अकॉर्डिंग उन्होंने कहीं ना कहीं आप पर नज़र रखी हुई है। हो सकता है वो सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक करते हो इन ऑल दैट स्टफ, और तभी वो चाहकर भी आपके बारे में सोचना कम नहीं कर पा रहे। एक चीज़ तो पक्की है व्यूअर, आपसे अलग होने के बावजूद ये पर्सन आज भी आपको लेके केयर रखते हैं, लेकिन रोज़ खुद को मूव ऑन करने के लिए कन्विंस करते हैं। कई बार उन्हें लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो तो उनके लिए भी यही सही है। ये पर्सन यहाँ सोचते हैं कि आप दोनों के बीच का कम्युनिकेशन बेटर हो सकता था अगर आपके बीच डिफरेंसेस नहीं क्रिएट होते तो। व्यूअर, ये बहुत डीप है बट आई फील इस पर्सन ने आपको अभी भी अपने दिल के कोने में बहुत संभाल कर रखा है। चीज़ें आप दोनों के बीच जैसी भी एंड हुई हों लेकिन उनके मन में आपकी एक छवि अभी भी बरकरार है, बिकॉज आपसे इस पर्सन को बहुत मदरली एनर्जीज मिलती हैं। जैसे कि कोई माँ अपने बच्चे की परवाह करती है, आपने भी शायद वैसे ही इनकी केयर करी थी। आई फील लाइक ये पर्सन फील करते हैं कि आपको तो और बेटर ऑप्शंस मिल ही जाएंगे और शायद वही आपके लिए बेटर भी होगा, इसीलिए ये इमोशनली भी खुद को बंद कर देते हैं आपके आगे। कार्ड्स भी मुझे यही बता रहे हैं कि पराप्स ये रिश्ता ख़त्म ही इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ कोई इमोशनली अनअवेलेबल था। व्यूअर, उनकी प्राइड कह लीजिए या उनका ज़िद्दीपना कह लीजिए जो उन्हें रोकता है आपसे दोबारा कॉन्टैक्ट करने के लिए, आपकी थॉट्स ना आए इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर दी हैं। व्यूअर, चेक करते हैं वो आपके सेपरेशन को लेके क्या फील करते हैं। प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कर दें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस पर्सन को आपसे बहुत मदरली नर्चरिंग वाइब्स मिलती हैं। ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं इनका बसा बसाया घर पीछे छूट गया और अब इन्हें खुद में इनर पीस शांति की तलाश है। इवन अगर ये पर्सन अभी स्पिरिचुअल नहीं है
बट आई फील इनकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी जो इन्हें बहुत कुछ रियलाइज करवा के जाएगी और उनका ये डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा। ओके व्यूअर, चेक करते हैं कि क्या ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे। व्यूअर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि एक दिन ये पर्सन खुद को बोले कि आपको टेक्स्ट डालते हैं और जो होगा देखा जाएगा, और आपको वो रिस्की टेक्स्ट मैसेज डाल दें। बट लेट मी वॉर्न यू, वो आपको ये मैसेज खुद की ज़िंदगी में हो रहे लैक को भरने के लिए डालेंगे। चांसेस हैं वो आपसे आपकी फेमिनिन एनर्जी लेने के लिए आएँ, इसलिए आप इस बार दिल से कम दिमाग से ज़्यादा काम लेना। व्यूअर, चेक करते हैं कार्ड्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं और कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में आगे क्या छुपा है। व्यूअर, इस एनर्जी के अकॉर्डिंग आप कुछ अनसुलझे सवालों को अपने अंदर तलाश रहे हो। आप इस वक्त अपने स्पेस में रहना पसंद कर रहे हो एंड जेन्युइनली आपको अपने आसपास ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट चाहिए भी नहीं। चीज़ें आपकी लाइफ में काफ़ी ठहरी हुई हैं और ये ठहराव ही आपको वो अनसुलझे सवाल अपने अंदर झांक कर ढूंढने पर मजबूर कर रहा है। पर मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, ये शांति तूफान से आने से पहले वाली शांति की तरह है, नेगेटिव वे में नहीं, लेकिन यहाँ से चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से मूव होने वाली हैं। 2022 की एनर्जी वो सब आपकी लाइफ में लेके आने वाली है जो कहीं पीछे छूट गया था। इस एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा पैशन दिख रहा है। ये पैशन बेसिकली आपके रिलेशनशिप के मैटर्स में बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, इसीलिए इनसे जुड़े ब्लॉकेजेस भी जल्दी रिजॉल्व होना चालू हो जाएंगे। आई फील लाइक ये टाइम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। आप जितना अपने अंदर जाएंगे, मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे, अपने चक्रास को ओपन करने की कोशिश करेंगे, उतना ही यूनिवर्स आपकी खुद पर खुद मदद करेगा और उतना ही आपका लक फैक्टर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। आप में से कई अपने रिलेशनशिप को लेके सोच रहे होंगे कि इतनी एफर्ट्स के बावजूद आपको इस रिश्ते में कुछ देखने को नहीं मिला और ये आगे पीछे कहीं भी जाता हुआ नहीं दिख रहा। कार्ड्स आपको बताना चाह रहे हैं कि ये डिले होता हुआ फेज देखना आपके लिए ज़रूरी था। आपकी रिलेशनशिप की खुशियों में डिले ज़रूरी है, लेकिन डिनाइल नहीं है। एक ब्रॉडर सेंस में ये वक्त है खुद की एनर्जीज को रिचार्ज करने का, अपने आसपास बिखरी चीज़ों को संभालने का, बिकॉज आगे चल के चीज़ें सिर्फ एक्सपैंड ही होनी है और आपको अपने रिश्तों में बहुत मूवमेंट देखने को मिलना है। कार्ड्स आपको गिव अप नहीं करने के लिए कह रहे हैं। आपने यहाँ तक का रास्ता अकेले तय किया है और अभी आपको आगे भी जाना है। व्यूअर्स, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताएं। मैं आपसे मिलता हूँ अगली टैरो रीड में। टिल देन, ब्लेस यू।